टेक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मैप। मैं ये टॉपिक क्यों चुना, देखिए अगर आप इंडियन मैप को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ देखता हूँ जियोग्राफी का 70% आपका कंप्लीट हो गया, 70% आपका कंप्लीट हो गया जियोग्राफी का। ओके, चाहे वो SSC हो चाहे UPSC हो, UPSC बच्चे जितने भी UPSC के लिए क्वालिफाई करते हैं या फिर जो UPSC देते हैं उनका अंदर उनको ग्रैप में पूरा याद रहता है। अब जैसे भी चाहे आप KBC में जाओ, कौन सा भी जनरल नॉलेज सेक्शन में जाओ, आपको ग्राफ आपका दिमाग में होना चाहिए। एंड एक ग्राफ आपको कैसे काम आएगा डिटेल में आपको बताता हूँ। आप ध्यान से इस क्वेश्चन इस ग्राफ को देखिए, मैं जो जो पढ़ाने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। ओके, तो चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ओके, तो चलिए बिना लेट करते हुए आज शुरू करते हैं हमारा मैप का टॉपिक जो इंडियन मैप से रिलेटेड है एंड ऐसे क्वेश्चंस SSC CGL कैसे पूछता है, कहाँ से पूछता है। तो पहले मैप आप देख लीजिए, मैं पेन उठा लेता हूँ। पहले आपको तो देखना है कहाँ पे क्या है, पहले आपको ये देखना है कहाँ पे क्या है। ये तो ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, फिर भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर आपका सिक्किम है, याद रखना। आपके अगर पास मैप है तो मैप आपको उठा लीजिए, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका सिक्किम है, मैं बताता हूँ कैसे SSC CGL क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन मैप से। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश। पहले इस साइड में जितना है स्टेट उसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपका GA जम्मू एंड कश्मीर, एंड जम्मू एंड कश्मीर इसमें जो जिला पास जाता है कोराकोरम पास जाता है, ये सब पास के बारे में हम तो बाद में और एक मैप जो पास में जाता है पास के मैप के लिए वो दूसरा मैप है, लेकिन इसी मैप में भी आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका MP हो गया, मींस अरुणाचल प्रदेश, ना कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ए वाला आपको हिमाचल प्रदेश ब्लू कलर का, पहले जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपका ये आपका देखिए यहाँ पे आपका पहले एंड नीचे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा कर्नाटक, यहाँ सॉरी केरला, यहाँ पे ये वाला आपका कर्नाटक, ये आपका गोवा, गोवा सबसे छोटा होता है गोवा, तो यहाँ इस छोटा वाला गोवा रहता है एंड गुजरात होता है। एंड यहाँ पे आपका जो है डेक्कन प्लेट्यू हो गया, यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे होता है, यहाँ पे मालवीय प्लेट्यू होता है, डेक्कन प्लेट्यू छोटा नगर प्लेट्यू यहाँ पे होता है, तो प्लेट्यू के बारे में बाद में देखिए। पहले चलिए एंड सतपुरा कहाँ पे होता है, नर्मदा यहाँ पे होता है एंड ताप्ती यहाँ पे होता है, याद रखना नर्मदा ताप्ती के बीच आपका सतपुरा जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहले अभी स्टेट देख लीजिए, यहाँ पे आपका राजस्थान से ये गुजरात है एंड ये आपका पता है जो मैप में ऑलरेडी जो मेरा NCERT का क्लास देख चुके होंगे उनको पता होगा, ए वाला जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में जाता है। ओके, इस इक्वेटर रीजन होता है एंड ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाता है ना। तो आपको पूछेगा कौन सा स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे गुजरात तो मिल जाता है, राजस्थान तो मिल जाता है, मध्य प्रदेश तो मिल जाता है, यहाँ पे देखिए वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कन्फ्यूज हो जाएगा। पहले स्टेट देख लीजिए उसके बाद बता दूंगा। ये आपका छत्तीसगढ़ है इसमें एंड छत्तीसगढ़ के पूरा यहाँ पे आपका ये आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे असम, ओके इस तरफ मेघालय, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड इस टोटल जितना है इसको 7 सिस्टर बोलते हैं, ये खुद याद रखना होगा, इसको 7 सिस्टर बोलते हैं, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, अब आपका 7 सिस्टर इसको बोलते हैं। पहले अभी इसमें क्वेश्चन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस में पास करता है एंड किस किस में पास नहीं करता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस के अंदर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर जाता है, ऊपर 23.5 साउथ नॉर्थ में, तो ट्रॉपिक ऑफ ए अगर इक्वेटर होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं थे पास करेगा ना, तो आपका गुजरात देखे जाता है, छत्तीसगढ़ भी पास करता है, मध्य प्रदेश पास करता है, बिहार पास, यहाँ पे देखिए बिहार है, ये आपका उत्तराखंड है, याद रखना उत्तराखंड। ओके, दिल्ली यहाँ पे होगा तो राजस्थान में पास करता है एंड आपका छत्तीसगढ़ में पास करता है, मध्य प्रदेश पास करता है, गुजरात पास करता है, वेस्ट बंगाल पास करता है, ओके मिजोरम पास करता है, इसे पास करके जाएगा मिजोरम पास करता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास होके जा रहा है। तो स्टडी ऑफ ग्राफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जम्मू कश्मीर देख लीजिए, पहले ये जम्मू कश्मीर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका पांडिचेरी यहाँ पर नीचे वाला है एंड पांडिचेरी एक ही स्टेट ऐसा है जो पांडिचेरी के अंदर जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ओके याद रखना पांडिचेरी के अंदर जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ओके जैसे उड़ीसा के अंदर हमारा भुवनेश्वर है, कटक है, तो अभी जो पांडिचेरी के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो कभी क्या करते हैं ना, वो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो कभी उनका बाउंड्री आपस में नहीं मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, एक ही स्टेट ऐसा है पांडिचेरी,
जिनका डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री खुद पे को सॉरी खुद से नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका पौंडीचेरी आ गया, ओके ये साइड में आपका पौंडीचेरी आ गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे आपका नीलगिरी होगा, आपका नीलगिरी जो पहाड़ होता है नीलगिरी यहाँ पे है, बहुत सारे इसको बाद में देखेंगे, पहले आप स्टेट याद रख लीजिए कहाँ पे क्या है। ओके नेक्स्ट देखिए, इस स्लाइड में आप अच्छे से देखेंगे, इस स्लाइड में आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे क्या है, खुद आपका देख सकते हैं। देखिए ये साइड जो है आपका, आपको पता है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाला है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यहाँ से क्या है, ये साइड आपका पाकिस्तान है। एक क्वेश्चन आया था, शायद आया था आपका 2017 SSC CGL में, नेपाल इंडिया के सिवा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? बहुत सारे लोग लिखे बांग्लादेश, बट बांग्लादेश नहीं होता, चाइना के साथ होता है। ओके इंडिया एंड चाइना, देखिए ये आपका चाइना है, याद रखना चाइना है, इंडिया तो अंदर होगा, ये तो इंडिया मैप है, मीन्स ये टोटल इंडिया होगा, तो इंडिया है, देखिए ये चाइना है, बांग्लादेश यहाँ पे है, यहाँ पे बांग्लादेश है, याद रखना ये पे आपका बांग्लादेश है एंड नेपाल इस साइड में होता है नेपाल। तो नेपाल का बांग्लादेश के साथ क्या करता है ना, वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है कभी भी, याद रखना, एंड भूटान के साथ भी नहीं करता है, वो सिर्फ करता है आपका इंडिया एंड चाइना दोनों। ओके इंडिया एंड चाइना, क्योंकि चाइना के साथ सबसे बड़ा है, एंड चाइना के साथ आपको पूछेगा कौन सा स्टेट आपको मिला हुआ है। देखिए ये इस साइड में, देखिए अगर इस साइड में आपका चाइना है, याद रखना, तो चाइना के साथ किस किस के बेटर आएगा भाई? उत्तराखंड तो आएगा गारंटी, सिक्किम तो आएगा, अरुणाचल प्रदेश तो आएगा, हिमाचल प्रदेश तो आएगा, एंड जम्मू एंड कश्मीर आएगा। तो चाइना के साथ देखिए, यहाँ से आपको स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके साथ आता है। ओके उसमें मैंने यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैप पहले कर दीजिए। तो चाइना इस साइड में है, चाइना के साथ आपको देखिए ऊपर तो जम्मू कश्मीर रह गया, तो चाइना के साथ अगर ए साइड आपका पाकिस्तान है, याद रखना ये पाकिस्तान है, एंड ए जितना है, देखिए ये आपका प्लेटू बोलता है, देखिए ये जो कलर है ये आपका क्या है ना, ये आपका सी है, मीन्स यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ पे आपका बंगाल सागर है। ओके एंड नीचे यह अंडमान निकोबार होता है। ओके पहले आप देख लीजिए, ये अरब सागर है, ये आपका बंगाल सागर है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका चाइना है, टोटल बाहर चाइना है, एंड ये आपका नेपाल है। ये जितना है व्हाइट कलर जितने सॉरी यहाँ पे जो मैं ब्लैक कलर दिखा सॉरी रेड कलर दिखा रहा हूँ वो आपका नेपाल है, याद रखना नेपाल है। ओके तो नेपाल हो गया, यहाँ पे आपको पाकिस्तान हो गया, इस साइड में आपका पाकिस्तान हो गया। ओके पाकिस्तान तो हो गया, बट पाकिस्तान यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान एक ही सबसे ऊपर जो है आपका अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान सिर्फ आपका जम्मू एंड कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करता है और कुछ नहीं, सी ऊपर वाला अफगानिस्तान, याद रखना ना ऊपर वाला अफगानिस्तान, एंड उसका एक ही बाउंड्री है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके उसके बाद अब देखिए, उसके बाद अभी देखने को बाकी अभी बता देता हूँ, एंड ये तो आपको श्रीलंका पता है सबको, तो छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, और इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है देखिए, ये वाला जो है आपका राजस्थान है। ओके ये वाला आपका गुजरात है। ओके ये वाला आपका राजस्थान, ये वाला गुजरात। ओके उसके बाद आपको और इम्पोर्टेंट, हाँ ये तो आपको उत्तराखंड पता चल गया, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार, दिल्ली यहाँ पे आता है। ओके तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर चाहे तो ये वाला आपका भूटान है। ओके ये रेड कलर जो है ये आपका भूटान, यहाँ पे रहता है, एंड भूटान हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, याद रखना, एंड सिक्किम के साथ भी करता है, क्योंकि भूटान यहाँ पे, एंड सिक्किम आपको पता है हमारा कहाँ पे, यहाँ पे भाई सिक्किम आपको यहाँ पे देख लीजिए, इससे अच्छा दिखेगा। देखिए ये आपका चाइना है, सिक्किम आपको पता है ये वाला सिक्किम है, एंड मैं बोला अभी ये वाला भूटान है, हिमाचल प्रदेश है, तो भूटान के साथ आपका ये दोनों भी बाउंड्री शेयर करेंगे। ओके याद रखना स्टेटस आपका। उसके बाद आप देखिए, आपको यहाँ पे आपका एक दोखा, यहाँ पे देखो आपका गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पे एक छोटा नगर प्लेटू है, प्लेटू मीन्स पता है ना, ये जो आता है ये प्लेटू बोलते हैं, यहाँ पे प्लेटू होता है ना, ये प्लेटू क्रिएट करता है, तो प्लेटू होता है जो साइड में आपका पानी होता है, बीच में आपका प्लेन होता है, प्लेटू बोलते हैं ये आपका। यहाँ पे एक छोटा नागपुर प्लेटू है, एंड छोटा नागपुर प्लेटू को यहाँ पे आपका मेघालय आएगा, उसमें क्या क्या है मेघालय ये बाद में हम देखेंगे, जब प्लेटू का आप लेक्चर स्टार्ट करेंगे तभी ये वीडियो, तभी मैप अपलोड करेंगे, तब एक साथ समझाएंगे तो आपको ध्यान से आएगा, बट अभी से भी याद रखना स्टेट एंड उसका कंट्री। यहाँ पे चाइना हो गया आपका पता है, चाइना के साथ कौन सा बाउंड्री शेयर करता है बता दिया आपको, सिक्किम करता है, उत्तराखंड करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर करता है। ओके यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान यहाँ पे हो गया, पाकिस्तान के साथ गुजरात करता है, राजस्थान करता है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है। ओके इसके बाद लास्ट ऊपर वाला जो है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सिर्फ एक जम्मू एंड कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ऊपर वाला आपका अफगानिस्तान, इसको नोट कर दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, एंड ये आपका अरब सागर है, ये आपका बंगाल सागर है। ओके
यहाँ पे आपका जैसे मैं बोला है कर्नाटक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरला है। ओके तो इस साइड में देखिए ये साइड आपका आंध्र है, ये जितना है तेलंगाना, ये जितना है ये आपका तेलंगाना है। ओके एंड हैदराबाद इसके नीचे हैदराबाद है, उड़ीसा यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ ऊपर है। ओके एंड इसमें इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं, कहाँ पे उड़ीसा है कहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ये आपका चाइना मैं बता देता हूँ, यहाँ आपका चाइना हो गया, ऊपर रहता है चाइना, एंड ये आपका नेपाल हो गया, ऐसे ये आपका भूटान हो गया, ये आपका नेपाल हो गया। ओके एंड ये आपका अफगानिस्तान ऊपर सबसे, अफगानिस्तान यहाँ पे एक बाउंड्री जाता है, सॉरी बाउंड्री जाता है, ये आपका पाकिस्तान। ओके ये आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश आपको पता है ये साइड में बांग्लादेश आता है, ये सॉरी नीचे वाला आपका बांग्लादेश आता है। तो इतने कोई इतना जानने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो इतना ही मैप के बारे में जानना है और कुछ नहीं, आपको सिर्फ कहाँ पे कौन सा बाउंड्री टच करता है ये आपको देखना है, एंड कहाँ पे कौन सा पहाड़ है वो भी देखना है, ये अरब सागर कहाँ पे है, यहाँ पे आपका बंगाल सागर कहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, अफगानिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है। ओके ऐसे हम पूरा डिटेल में, हम जब भी एक जैसे हम प्लेट्यू का टॉपिक स्टार्ट किए तो प्लेट्यू का एक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम जैसे स्टार्ट किए और कुछ इंडियन जियोग्राफी के बारे में, तभी भी ऐसा एक अच्छा मैं बनाऊंगा ऐसे जैसा बनाऊंगा जो आपको पता चलेगा कौन सा बाउंड्री के साथ कौन ये करता है। अभी तो आपको पता चल गया होगा कहाँ से किन सा कौन सा बाउंड्री टच करता है, जैसे आपका चाइना के साथ कौन सा टच करता है आपको पता चल गया, क्योंकि अगर एक बार मैप देख लेंगे, देखिए यहाँ पे सिक्किम में आपको पता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, अगर चाइना इस साइड में है तो सबको टच करेगा ना, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे सिर्फ अफगानिस्तान आपको जम्मू एंड कश्मीर टच करता है, क्योंकि अफगानिस्तान में बॉर्डर रह जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बीच बॉर्डर रह जाता है। उसके बाद ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल सागर हो गया, ये इस साइड में आपका अंडमान निकोबार में, एंड अंडमान निकोबार में आपको क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका साउंड जिसे बोलते हैं ना साउंड, एक होता है ना आपका साउंड द्वीप जिसको बोलते हैं साउंड द्वीप, कहाँ पे वो नॉर्थ में, उसके बाद छोटा 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार एंड लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान को जो डिवाइड करता है, 10 डिग्री चैनल बीच में है एंड छोटा अंडमान कहाँ पे, ये सब बाद में प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे। ओके तो 10 डिग्री चैनल क्या होता है, 36 डिग्री चैनल क्या होता है, छोटा अंडमान लिटिल अंडमान एंड छोटा अंडमान को कौन डिवाइड करता है, ये सब बाद में देखेंगे, बट इतना ये मैप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मैप है तो मैप इसको पहले देखेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2018 के लिए मैप को आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है भाई। ओके आपको पता है 2017 मैप से 47 48 क्वेश्चन आया था सिर्फ मैप से, या फिर 50 समथिंग आया था, तो ये आपका मैप हो गया, यहाँ से मैप खुद खरीद सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको मिल जाएगा कुछ ये में साइड में, तो ये पाकिस्तान ये आपका अफगानिस्तान। ओके ये सब आप डिस्कस करेंगे, आप खुद मैप देखेंगे। ओके एंड कुछ स्टेट के बारे में आपको भी, सॉरी स्टेट के बारे में पता चल गया, कहाँ पे यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए गुजरात है, आपको यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, आप यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे राजस्थान होता है एंड सतपुरा यहाँ पे होता है, याद रखना सतपुरा एंड सतपुरा हमारा कहाँ पे, गुजरात में या फिर राजस्थान में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सतपुरा एंड सतपुरा, यहाँ पे आपका नर्मदा है, यहाँ पे ताप्ती है, यहाँ पे आपका गोदावरी है। ओके तो गोदावरी यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी है, इसके बाद महानदी उड़ीसा में है, तो ऐसे आपको सिर्फ स्टेट याद रखो, यहाँ पे आपका मिजोरम है एंड सेवन सिस्टर वाला याद रखना, जरूर रखना, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आसाम, उसके बाद मेघालय मणिपुर यहाँ पे है, देखिए मेघालय उसके बाद मणिपुर आएगा, उसके लास्ट में मिजोरम, उसके लास्ट में त्रिपुरा, यहाँ पे आसाम आ जाएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, तो यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा, तो ऐसे करके याद रखेंगे। तो चलिए मैं आपके सेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।